हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सारे अच्छे हैं, मस्त हैं? ओके, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। हम आशा करते हैं आप सारे अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी तो फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो गया है, दुर्गा पूजा शुरू हो गया है। आप सभी को फ्रेंड्स दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, जो लोग कोलकाता में है स्पेशली उन लोग मस्त घूमिए। हम भी जब कोलकाता में रहते हैं तो खूब घूमते हैं फ्रेंड्स, पूजा खूब इंजॉय करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूजा खूब इंजॉय कीजिए। ओके, और हाँ, वहाँ पे तो दिखता भी है कि पूजा कितनी अच्छे से हर चीज़ हो जा रहा है, मतलब होता है पंडाल वगैरह सो। ठीक है फ्रेंड्स, खूब घूमिए, हर जगह होता है, जनरली जगह होता है। पूजा अच्छे से मनाइए, लेकिन पूजा के साथ साथ फ्रेंड्स पढ़ाई भी जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इतने दिनों से? डाइस पढ़ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले फ्रेंड्स आप लोग हमारे मैथ्स का क्लास देख रहे हैं कि नहीं? मैथ्स बाय अभिषा मैम, रीजनिंग अपना समझ रहे हैं? मैथ्स बाय अभिषा मैम टेलीग्राम ग्रुप का नाम है उनका, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और ग्रुप में मैम अपडेट करती रहती हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैथ्स बाय अभिषा मैम, वो अभी रेशियो प्रोपोर्शन का क्लासेस जो है उसमें लगभग लगभग खत्म हो चुका है, उसमें प्रैक्टिस चल रही है रेशियो प्रोपोर्शन। जाके आप लोग देखिए जो भी चैप्टर है, परसेंटेज वगैरह मैम अच्छे से बेसिक से पढ़ा रही हैं, बस आपको जाके देखना है और मस्त प्रैक्टिस कीजिए मैम के साथ भी। और मनीषा मैम टेक्निकल क्लास ले रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्डिंग में कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा सा आवाज़ आएगा फ्रेंड्स, उसको इग्नोर कर लीजिएगा। ठीक है, आज भर के लिए इग्नोर कर लीजिए, कल से कुछ नहीं हो सकता, मतलब कल से कुछ ऐसा नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे थे? डाइस पढ़ रहे थे। आपको हमारा तो नाम पता है, विक्रम सर, हम आप लोग रीजनिंग पढ़ाते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? रीजनिंग बाय विक्रम सर, आपको दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, लिस्ट में भी आपको टेलीग्राम का लिंक जो है डलवा देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स टेक्निकल वाले मनीषा में क्लास देख रहे हैं ना? बिल्कुल, देखिए मस्त अच्छे से पढ़ा रही है, पूरा एकदम बढ़िया पढ़ा रही है, देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डाइस पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डाइस। डाइस में हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ओपन डाइस पढ़ रहे थे। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ओपन डाइस। इससे पहले हमारा तो जो डाइस का दो पे दो दो साइड दिया रहता है वो वाला हो चुका है। ठीक है, वो वाला हो चुका है डाइस का, क्या बोलते हैं, ओपन डाइस को लेकर कल शुरू किया। उससे पहले हमारा वन डाइस हो चुका है, टू डाइस हो चुका है। टू डाइस ने मतलब दो पोजिशन वाला हो चुका है, वन कॉमन हो चुका है, नो कॉमन हो चुका है, दो कॉमन हो चुका है, ये सारा चीज़ हम लोग का हो चुका है। हो चुका है कि नहीं हो चुका है लिखिए नीचे, यस या नो, यस या नो, आई वॉन्ट योर आंसर, यस और नो, हो गया है कि नहीं हो गया है? हो गया है। अच्छा, एक बच्चे हैं जिन्होंने टेलीग्राम पे कमेंट किया था कि सर एक बार सुन, सुरेखा जी होप सो आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो अब फ्रेंड्स आपके सामने में कुछ दिख रहा है क्या? ये डाइस दिख रहा है, ओपन डाइस ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आज ओपन डाइस में ही करेंगे। और ओपन डाइस के अलावा भी एक चीज़ जो आपको हमको बताना है, वो पिछले में छूट गया तो वो आपको हम बता देंगे फटाक से। ठीक है, चलिए पहले इसका आंसर बताइए। इसका आंसर किन किन लोगों को आता है जल्दी से बताइए, इसका आंसर टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर बताइए और आंसर करेक्ट बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। कितना इरिटेटिंग लोग सब हैं। चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर, बताइए फ्रेंड्स। आज भर के लिए बस ये ठुक ठाक जो थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिए, कल से नहीं होगा। बताइए इसका आंसर, बताइए फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन, अच्छा इसका आंसर क्या, इसका आंसर ये है फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन में इसका ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन जो है इसका फॉलो करेगा, कौन सा ऑप्शन जो है इसका, इस ओपन डाइस को क्लोज करेंगे तो इसमें से कौन सा डाइस जो है वो बनेगा 1 2 3 4 में से। ठीक है, बनेगा। चलिए अब बताइए, हाँ पिछले क्लास में हम क्वेश्चन बोले ही नहीं, बोले बताइए वह कर रहे थे, हाँ ये चीज बताइए, कौन सा डाइस इसको अगर आप फॉर्म करेंगे, क्लोज करेंगे तो इसमें से कौन सा डाइस बनेगा। ओके बताइए, देखिए चलिए। अब आपको तो पता ही है, आप लोग का बहुत सारे लोगों का आंसर भी आने लगता है। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी है उनके अंदर, डेली आते हैं। स्पिरिट बिलीफ जी हैं, डेली आते हैं। अमित जी आप एक अल्टरनेटिव डे पे आ रहे हैं, पता नहीं आप अब्सेंट होते हैं, आते हैं। स्वप्निल जी आप आते हैं। सृष्टि जी वेल डन, बहुत अच्छा, आप भी आती हैं डेली और क्वेश्चंस भी आप आंसर, स्वप्निल जी भी बहुत अच्छा आंसर करते हैं। तो ये लोग हैं जो कि मतलब देखता हूँ मैं डेली कंटिन्यू बने रहते हैं हमारे क्लास में, बहुत अच्छा है, आप ही का बेनिफिट है। ठीक है, और आपको बेनिफिट मिल रहा है, इसी के लिए आप आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आफ्टर स्ट्रीम के टाइम पे नहीं रहते हैं, बाद में क्लास देखते हैं, कोई बात नहीं, जैसे आपको टाइम मिले वैसे आप क्लास देख लिया कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, इसमें अगर आप गौर कीजिएगा तो इसका अपोजिट ये है, ए का अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट, ये ब्लैंक,
इस ब्लैंक का ये, बी का अपोजिट ब्लैंक, ए का अपोजिट सी। चलिए तो क्या पहला वाला ऑप्शन फॉलो करेगा, क्या पहला ऑप्शन बनेगा, क्या ए का अपोजिट सी होता है, ये तो बताया ना कैसे अपोजिट, कल के क्लास में अच्छे से बता दिया कैसे अपोजिट होगा। ठीक है तो ए का नहीं होगा, गया। दो का देखिए फ्रेंड्स, दो का देखिए, तो अगर आप दो वाला देखिए कि यहाँ पे बी दिख रहा है और यहाँ पे दो ब्लैंक दिख रहा है। फ्रेंड्स दो पे बाद में आते हैं, ठीक है, थोड़ा पहले तीन को देख लेते हैं। तीन का वही सेम है, ए सी एक साथ नहीं आएगा। क्यों ए सी एक साथ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए सी जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक साथ नहीं दिखेगा, तो तीन भी गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अब पहले दो को देखते हैं फिर चार पे आएंगे। ठीक है दो को देखिए, यहां पे बी है और यहां पे दो ब्लैंक दिख रहा है आपको। ठीक है दो ब्लैंक दिख रहा है, इस दो ब्लैंक दिखने का मतलब क्या है, सॉरी फ्रेंड्स यहां पे टोटल ब्लैंक कितने हैं, एक दो तीन, तीन ब्लैंक है और यहां पे आपको दो ब्लैंक सामने में दिख रहा है, मतलब पीछे में एक ब्लैंक है, पीछे में एक ब्लैंक है और क्या है, पीछे में ए है और सी है, पीछे में एक ब्लैंक है और एक क्या है, ए है और सी है, है ना फ्रेंड्स। तो पीछे में एक ब्लैंक है और एक ए है और एक सी है, क्या ये ए और सी एक साथ हो सकता है क्या पीछे में, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो अपोजिट नंबर अगर सामने में भी नहीं दिखना चाहिए तो अपोजिट नंबर पीछे में भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, हिडन में भी अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिखेगा। जो हमको दिख रहा है सामने में, जो फिगर दिख रहा है, अगर सामने में हमको ए सी दिख रहा है तो नहीं मानते हैं ना उसको, वो नहीं मानते ना, क्यों, क्योंकि ए सी एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये हम ये भी पढ़े हैं कि जो पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट है वो ना तो पीछे एक साथ दिखना चाहिए और ना सामने में एक साथ दिखना चाहिए, जो हमारा हिडन फेस है उस पर भी नहीं दिखना चाहिए एक साथ और सामने में भी नहीं दिखना चाहिए एक साथ। तो सामने में ये दोनों दिख रहा था इसीलिए हटा दिए। तो इस फिगर से हमको ये हो गया कि एसी जो है इसके पीछे ही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे ही एसी है, हिडन फेस पे जो तीन सरफेस जो हिडन है उस पे एसी है, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक इसीलिए ए सी एक साथ नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर दो भी एलिमेंट, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो गया। कैसे हो गया, तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक दिख रहा है, ए और बी एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं है, ए और बी आपको एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, यहीं से दिख रहा है, और एक ब्लैंक, तो ब्लैंक के अपोजिट में बी है, लेकिन ये ऑप्शन के थ्रू भी हमारा फोर हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि यही ब्लैंक होगा, नहीं, ये ब्लैंक भी तो हो सकता है, हो सकता है, इसीलिए आपका आंसर फोर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे नीचे देखेगा तो पीछे में दो ब्लैंक है और क्या बोलते हैं एक सी है, तो हो सकता है ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक हो सकता है, ये ब्लैंक और ये सी हो सकता है, कुछ भी वो हो सकता है। ऑप्शन नंबर चार आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर चार आपका करेक्ट है, बाद बाकी इसमें नहीं होगा। समझ में आया ऑप्शन नंबर चार क्यों करेक्ट है, क्योंकि ए और बी के अपोजिट, देखिए ए बी के अपोजिट में नहीं है, बी के अपोजिट में ब्लैंक है, लेकिन यहां पे कितने ब्लैंक है, एक दो तीन, तो जरूरी थोड़ी है कि यही ब्लैंक यहां पे है। ठीक है, इसी के लिए आपका चार नंबर सही हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ओपन डैश में ये कल भी बताए थे और आज भी बताया, ठीक है, ऑप्शन नंबर चार इज करेक्ट, समझ में आया। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप थोड़ा सा ओपन डैश को थोड़ा देर के लिए रोकते हैं, ठीक है, बीच में एक ठो कंसेप्ट आपको नहीं लास्ट में करेंगे, ओपन डैश ही करेंगे हम, चलिए वो कंसेप्ट आपको लास्ट में करवा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब ये ओपन डैश का ये चीज वाला तो हो गया, चलिए अब आ रहा है आपके पास नया क्वेश्चन, ओपन डैश से रिलेटेड आपके पास नया चीज आ रहा है, उसको कैसे करेंगे, चलिए देखिए थोड़ा मस्त है, ठीक है देखिए कैसे करेंगे। ओके यहां पे देखिए, ये आपके हो गए डाइस, एक दो तीन, यार ये बड़ा साउंड कर रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा आज भर के लिए, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह, ओके फ्रेंड्स देखिए, सी डी ई एफ, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका टाइप है, ठीक है, एक अलग टाइप है, ठीक है। अब देखिए इससे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डाइस जो है वो बनेगा, इस डाइस ओपन डाइस को क्लोज करेंगे तो इसमें से कौन सा डाइस बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या बताना है कि इसमें से जो डाइस क्लोज करेंगे, इस डाइस को ओपन डाइस को जब क्लोज करेंगे तो इसमें से जो है कौन सा जो है बनेगा, ठीक है, आपको यही बताना है। ओके आप लोग तैयार हैं उसके लिए, आप लोग तैयार हैं फ्रेंड्स, बताइए हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए जल्दी, तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट मिनट,
ठीक है, और एक और दे देते हैं और आप लोग बताएं। देखिए फ्रेंड्स, जबरदस्त कंसेप्ट अगेन आपके पास आ रहा है फ्रेंड्स, डाइस में आपको बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तैयार हैं, कौन सा डाइस फॉर्म करेगा? चलिए आप लोग रेडी हैं, आप लोग रेडी हैं फ्रेंड्स, आप लोग रेडी हैं, चलिए बताइएगा कौन सा डाइस इसमें से फॉर्म करेगा। ओके ओके फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए इस तीनों ऑप्शन से तब तक निकालिए ना, बन रहा है तो बताइए क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बताइए कि इसमें से कौन सा डाइस जो है बनेगा। इस डाइस को देख लिए, इस डाइस, ये ओपन डाइस है और आपका ये क्लोज डाइस है। चलिए अब बताइए कौन सा डाइस इसमें से फॉर्म करेगा। इसको क्लोज करेंगे तो इसमें से 1 2 3 4 में से कौन सा डाइस बनेगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है अगेन, ठीक है। बताइए आप लोग आंसर बताइए इसका, फिर भी तो हम समझे आप लोग का क्या आंसर आ रहा है। बताइए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। ये बहुत इरिटेट कर रहा है ना फ्रेंड्स, आप लोग को भी कर रहा होगा, इग्नोर कर लीजिएगा आज भर के लिए, इग्नोर कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स किन किन लोगों का आंसर आ गया, 1 2 3 4 में से किन किन लोगों का आंसर आ गया, चलिए जिनका आंसर आ गया मैच कीजिए, जिनका आंसर नहीं आया देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऐसा नहीं, तो सर यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ए के अपोजिट में सी आता है, बी के अपोजिट में डी आता है और एफ के अपोजिट में बचा हमारा तो ये ई आता है, ये तो आप सबको पता है। तो क्या फ्रेंड्स ऐसा आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है जिससे आप उसको हटा दीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा कि वो नहीं बनेगा, ऐसा दिख रहा है क्या कि जिससे आप ये डिसाइड कर लीजिएगा। ए के साथ में सी आता है, ए के पास कहीं सी दिख रहा है, बी के साथ में डी आता है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एफ के साथ में ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए बी के साथ सी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ई के साथ एफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए सी के साथ डी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ई के साथ एफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्या फ्रेंड्स बी के साथ एफ दिख रहा है क्या, नहीं, सी के साथ डी दिख रहा है, सॉरी ए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर 2 में सी के साथ ए, यहाँ पे ए ठीक है, नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप एलिमिनेट कैसे करेंगे ऑप्शन, तो सर पता कैसे लगा कौन सा डाइस इसमें फॉर्म भर रहा है, सर लग रहा है सब फॉर्म कर रहा है, बस यही चीज बताना है आपको। अब चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स अगेन हम लोग क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन बेसिस पे, डायरेक्शन बेसिस पे इसको जो है एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे अब आप चलिए चेक कीजिए, अगर आप ए से ए बी एफ की तरफ जाएंगे, ए से बी एफ की तरफ जाएंगे, तो आप गौर कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ए से एफ की तरफ जाते हैं B को लेके लेते हुए, तो आप देखिए कौन सा डायरेक्शन फॉलो किए फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज, कौन सा डायरेक्शन फॉलो किए, क्लॉकवाइज। यहां पे देखिए A से B की तरफ जा रहे हैं, A से F की तरफ जा रहे हैं, तो B को लेते हुए कौन सा डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे क्या था, क्लॉकवाइज, यहां पे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स आपका ये आंसर नहीं होगा, ये डाइस नहीं फॉर्म होगा, ऐसे फॉर्म नहीं होगा, ऐसे फॉर्म नहीं होगा, ये अपोजिट वाला चीज यहां पर नहीं लगा, ये डाइस इसका पोजीशन सबका चेंज होगा, इसका पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। तो ये डाइस आपका ऐसे फॉर्म नहीं करेगा। चलिए अब वो पोजीशन कैसे फॉर्म करेगा, अगर इसी जगह पे हम, इसी जगह पे वो हम बताते हैं आपको बाद में,
चलिए दो नंबर को देखिए, बी सी अगर आप बी सी ई को देखेंगे तो बी को ई तक जाते हैं, बी से ई तक जाते हैं, तो आप बी को ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा डायरेक्शन है फ्रेंड्स आपका? एंटी क्लॉकवाइज। बी से ई की तरफ जाते हैं, तो आप देखिए यहां पे अगर आप बी से ई की तरफ जाते हैं, यहां पे अगर आप एक मिनट फ्रेंड्स यहां पे क्या बताए हैं, ए बी से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और यहां ए बी से ये भी तो क्लॉकवाइज ही है, ये भी तो क्लॉकवाइज ही है, ठीक है, ये भी तो क्लॉकवाइज है ना, ए बी एफ क्लॉकवाइज ही तो है, तो आपका ये क्लॉकवाइज है, मतलब ये बनेगा, ए नंबर वन बनेगा, ठीक है। अब लगता है ज्यादा क्वेश्चन बन जाएगा क्या, देखते हैं। अब देखिए यहां पे बी से सी, बी सी ई की तरफ जाएंगे तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। बी सी ई एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे करके जा रहे हैं, ये वाला डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन यहां पे देखिए बी सी ई की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ये नहीं करेगा फॉलो ई की तरफ। तीन बार में सी डी ई, देखिए फ्रेंड्स यहां पे सी डी ई से जा रहे हैं तो अगेन कौन सा जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं। सी डी को जा रहे हैं तो कौन सा जा रहे हैं डायरेक्शन? आप कौन सा डायरेक्शन जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? सी डी ई की तरफ जा रहे हैं, सी डी ई तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहीं पे अगर आप सी डी ई को जा रहे हैं, यहां पे देखिए सी से डी के ई की तरफ जा रहे हैं, तो सी डी ई किस डायरेक्शन जा रहे हैं? किस डायरेक्शन जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। यहां पे किस डायरेक्शन जा रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे किस डायरेक्शन जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स ये भी फॉलो नहीं करेगा, मतलब ये भी नहीं बनेगा, पोजीशन चेंज होगा। देखिए बताते हैं आपको उसमें कैसे बनेगा ये। अब चार नंबर को देखिए बी सी एफ। अब देखिए यहां पे देखिए फ्रेंड्स बी सी एफ को लीजिए, तो अगर आप बी सी एफ से जाना चाहते हैं तो बी सी एफ ऐसे जाएगा ना, बी सी एफ। अब देखिए यहां पे आप लोग गौर कीजिए, यहां पे गौर नहीं करते हैं बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसी के लिए यहां पे गौर कीजिए। बी सी एफ, बी सी एफ कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। यहां पे देखिए बी सी एफ कौन सा डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज। तो बी और सी एफ जो है चार नंबर भी नहीं बनेगा, चार नंबर भी नहीं बनेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? वन। आपका आंसर क्या आ गया? वन। वन होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें दिक्कत क्या है सर? ठीक है वन आपका मानते हैं, ठीक है सर बी सी ई क्यों नहीं कर रहा है? बी सी ई कैसे फ्रेंड्स? अब देखिए आप मेरा बात देखिए, एक बार गौर कीजिए, ये भी फॉलो करेगा, कैसे करेगा आप देखिए ना, फॉलो करता है कैसे, देखिए हाँ, अगर इसी को ये कर देते बिल्कुल फॉलो करेगा। देखिए बी सी ई, बी सी ई क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बी सी ई, बी सी ई एंटी क्लॉकवाइज। तो सर इस टाइम पे आपका ऑप्शन नंबर दो भी करेक्ट हो जाएगा, बस सेम चीज रहेगा लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगा, इस सबका पोजीशन इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए आपको हम बताए ये वाला क्वेश्चन। समझ में आया? समझ में आया कि कैसे हुआ ए बी, ए बी एफ, ए बी एफ कैसे? क्योंकि देखिए ए से एफ की तरफ जाएंगे तो ए बी एफ कौन सा डायरेक्शन जा रहा है? क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। यहां से देखिए ए बी एफ कौन सा डायरेक्शन जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। यहां पे देखिए ये तो हमको चेंज कर दिए हैं, तो इसका ऑप्शन पहले वाला। तीन को देखिए सी डी ई, सी डी ई, सी डी कौन सा डायरेक्शन है? ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? सी से लेकर ई तक एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे कौन सा डायरेक्शन है? सी डी ई कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। चार में देखिए बी सी एफ, बी सी एफ कौन सा डायरेक्शन है? बी सी एफ कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। अब यहां पे देखिए बी सी एफ कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका आंसर क्या हो गया? एक नंबर आंसर आपका करेक्ट हो गया। ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? ये चीज समझ में आया? कैसे हुआ समझ में आया ना? बस बस यही चीज तो चाहिए था, यही समझाना था फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक नया कंसेप्ट आपका अगेन हुआ, ठीक है। क्या हुआ? अगेन एक नया कंसेप्ट, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया? क्वेश्चन कैसा था? मजेदार था, अच्छा था, अच्छा था कि नहीं था? बताइए, तो बताइए एक बार, अच्छा कंसेप्ट था कि नहीं था? था कि नहीं था? सो बताइए एक बार, बताइए अच्छा कंसेप्ट था कि नहीं था? जल्दी से बताइए, थोड़ा कंसेप्ट सही था कि नहीं था? अब भाई फिर से ही एक क्वेश्चन, अब आप लोग हमको हो जाता है फ्रेंड्स कभी कभी, ठीक है, पम्बलिंग बोलते हैं इसको। चलिए अब आप लोग हमको बता के दे, बना के दिखाइए एक क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग हमको। हम आशा करते हैं आप सारे इसका आंसर दे देंगे हमको, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए
1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके फ्रेंड्स, अब आपको इसमें से यही बताना है, गिवन जो जितना देंगे उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो डाइस है वो फॉर्म करेगा, कौन सा डाइस जो है वो इसको क्लोज होने के बाद वो डाइस जो है बनेगा, और यही बताना है आपको, ठीक है। ठीक है, आपको यही बताना है कि कौन सा डाइस जो है इसको ये करने के बाद जो है फॉर्म करेगा। ओके, चलिए अब शुरू होता है आपका, अब करते हैं, ठीक है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा डाइस जो है फ्रेंड्स फॉर्म होगा, बताइए बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा डाइस जो है फॉर्म होगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा डाइस जो है आपका फॉर्म होगा, कौन सा डाइस आपका इसमें से फॉर्म होगा, जल्दी जल्दी बताइए बताइए जल्दी जल्दी, 1, 2, 3, 4 बताइए कौन सा डाइस इसमें से फॉर्म होगा, कौन सा डाइस इसमें से फॉर्म होगा, जल्दी बताइए। चलिए फ्रेंड्स इधर देखिए, अब आप लोग गौर कीजिए, देखिए सर यहाँ से निकल जाएगा 1 के अपोजिट में 4 है और 6 के अपोजिट में 5 है। चलिए चेक कर लेते हैं, 1, 2, 6 कोई अपोजिट वाला नहीं लग रहा है, चलिए इसको रखते हैं मार्क करके, 1, 4, 3 के अपोजिट में 3 होना चाहिए, एक साथ आ गया, नहीं ये तो फॉर्म नहीं करेगा, 2, 4, 5 2 के अपोजिट में 4 आ गया सर, ये भी फॉर्म नहीं करेगा, बच रहा है 1 और 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 2, 6। चलिए अब इसको चेक कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट, सिमेट्री का, डायरेक्शन का कंसेप्ट। चलिए अब 1 से 6 तक जाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप 1 से 6 तक जाएंगे तो 1, 2, 6, तो 1 से अगर आप 6 तक जाते हैं तो ये डायरेक्शन आप फॉलो करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब क्या क्लॉकवाइज। यहां पे अगर 1, 2, 6 की तरफ जाएंगे, यहां पे 1 से 6 की तरफ जाएंगे, ये बहुत इरिटेट कर रहा है ना फ्रेंड्स, बहुत ये मतलब पता नहीं कुछ ज्यादा ही सामने बात करते हैं, मतलब कल, हाँ पॉसिबली, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा सह लीजिए, आज भर के लिए सह लीजिए, कल से नहीं करेंगे, आप लोग एनर्जी वाले हैं। चलिए फटाक से 1, 2, 6, अब देखिए 1, 2, 6 में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अगर आप 1 से 6 तक जा रहे हैं तो आप कौन सा डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं बताइए, कौन सा डायरेक्शन फॉलो करें अगर आप 1, 2, 6 में जा रहे हैं तो। फ्रेंड्स ये भी तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये भी तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो आपका 1 जो है करेगा। चार नंबर ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार, 3, 4, 5 फ्रेंड्स अगर आप 3, 4, 5 को देखेंगे तो 3, 4, 5 में आप कौन सा डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर देखिए यहां पर 3 और 4 में आप क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यहां भी एंटी क्लॉकवाइज, यहां भी एंटी, तो फ्रेंड्स आपका 4 ऑप्शन भी सही है, ठीक है, 1 और 4 आपका दोनों सही है, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में जब दिया रहेगा, ये तो हम खुद से लिए हैं, अगर एग्जाम में आपको दिया रहेगा तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिएगा, जनरली इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आपको बनाना पड़ता है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है, 2 करेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, 1 करेक्ट मिल जाए तो आपको उस बात का देखना ही नहीं, क्योंकि वहां पर ऑप्शन भी 1, 2, 3, 4 ही रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, एक बार देख लीजिए, 1, 2, 6 का क्या डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, 1, 2, 6 इसका क्या डायरेक्शन है, इसका भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, 1 से 6 तक गए तो क्लॉकवाइज, अब देखिए 3, 4, 5 कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे देखिए 3, 4, 5 कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए 1 और 2 बनेगा, बाद बाकी इधर का नहीं बनेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बोलिए हाँ या ना, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ बोलिए हाँ या ना, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फ्रेंड्स एक नया कंसेप्ट फिर से सीख रहे हैं, ठीक है, ओपन डाइस में, हाँ ओपन डाइस का ही एक नया कंसेप्ट है, वो आप बस वो कंसेप्ट सीख लें, फिर तो डाइस का तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, फिर डाइस का क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखते हैं, आइए ठीक है, आप लोग भी ऐसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है,
फ्रेंड्स ये भी आपका ओपन डाइस है, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है फ्रेंड्स चलिए। अब फ्रेंड्स आप लोग हमको इसमें से ये बताइए कि इसमें से कौन सा डाइस जो है फॉलो करेगा, इसको क्लोज करने के बाद कौन सा डाइस जो है इसमें से फॉर्म करेगा, ठीक है। पहले आप लोग बताएंगे फिर हम बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है या गड़बड़ है? थ्री नंबर ऑप्शन इधर आ रहा है आपका, आपके ऑप्शन भी घूम रहे हैं। मजेदार कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बताइए, आप लोग बताएंगे हमको कि इसमें से कौन सा जो है ये फॉर्म करेगा और कौन सा जो है यहाँ पे फॉर्म नहीं करेगा, मतलब यही बताइए आप लोग कि इसमें से कौन सा डाइस जो है वो फॉर्म करेगा। ओके चलिए, चलिए फ्रेंड्स फटाफट बताइए। चलिए अब बताइए इसमें से कौन सा डाइस जो है फॉर्म करेगा, क्लोज करने के बाद इसमें से कौन सा डाइस बनेगा, बताइए। बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जल्दी से बताइए आप लोग, बताइए फ्रेंड्स जल्दी से कौन सा डाइस जो है इसमें से फॉर्म करेगा, बताइए। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसको, इसमें क्या होगा। सर ये क्या दे दिया आपने अच्छी से? फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। देखिए आप यहां पे, अगर आप यहां पे गौर कीजिए, यहां पे एक के अपोजिट में सी होगा, ठीक है, एक अल्टरनेट वाले में एक के अपोजिट में सी होगा, डी के अपोजिट में ई होगा। तो सर व्हाट अबाउट बी, वही तो बता रहे हैं। चलिए देखिए, एक के अपोजिट में क्या हो गया सी, डी के अपोजिट में क्या हो गया ई, फ्रेंड्स बी के अपोजिट में होगा ये भाई साहब लोग, एक दो तीन चार, ठीक है, डी के अपोजिट में होगा एक दो तीन चार, वेल डन। हाँ तो आपका डी के बी के अपोजिट में फ्रेंड्स होगा ये बी, क्योंकि जब आप इसको मोहरेंगे ना तो ऊपर में मोहरेंगे ना तो ऊपर में जो है ना फ्रेंड्स, ऊपर में एक दो तीन चार जो है एक साथ आएगा, एक पोजीशन बनेगा, वो पोजीशन ये बनेगा, उसके ऊपर एक दो तीन चार आएगा। ये चीज समझ में आया? जब आप इसको मोड़ेंगे तो ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा ना ये वाला पोर्शन, इमेजिन को थोड़ा सा बढ़ाइए, इसको आप ऐसे किए, इसको आप मोड़ेंगे तो ये ऐसे होगा पहले, और फिर ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर इसका भी ये वाला पार्ट ऐसे होगा और ऊपर वाला पार्ट ऊपर की तरफ मोड़ेगा, तो दो चार के साथ आएगा, एक तीन के साथ आएगा, लाइक डैट, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब आप हमको ये बताइए कि इसमें से कौन सा डाइस फॉर्म करेगा। ये चीज समझ में आया ना फ्रेंड्स, ये चीज समझ में आया, बी के अपोजिट में इसके अपोजिट में ये जो नीचे होगा इसके ऊपर ये चार हो, ये जो मतलब कोनी वाला जो है मतलब एरो वाला सब जो है ये लोग एक साथ मिलके बी के अपोजिट में आएंगे, ये सारे एरो वाले जो हैं जो बचे लास्ट वाले जो हैं सबका वो सब मिलके एक साथ बी के अपोजिट आएंगे, लाइक दैट। ओके चलिए अब बताइए सर पहला ऑप्शन बनेगा क्या? देखिए तो नहीं, क्योंकि डी के अपोजिट में ई है, डी यहां पे एक साथ है, गलत। दूसरा बनेगा क्या? बी डी बी डी बी डी, अब देखिए बी के अपोजिट में ये है, बी के अपोजिट में ये है ना ये वाले साहब, अब ये सब एक के साथ आ गए, ये भी नहीं बनेगा। चलिए तीन नंबर देखिए, ए बी डी ए बी डी ए बी डी ए बी डी, ओके चार नंबर तो लग रहा है बन जाएगा, हाँ चार नंबर, तीन नंबर फॉर्म करेगा, चार को चेक कर लीजिए, ई बी, अब देखिए बी के साथ अगेन ये लोग आ गए, लेकिन बी के साथ क्या ये लोग नहीं आना चाहिए, ये लोग बी के अपोजिट में है तो चार नंबर भी नहीं बनेगा। ओके फ्रेंड्स चार नंबर भी नहीं बनेगा, ओके समझ में आ गया, बना दिए। चलिए अब आप लोग बताएंगे हमको,
इसी में फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं आया फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए फिर से, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार देख लीजिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार देख लीजिए आप लोग जो ड्रॉ किए होंगे ना, आप लोग नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? और नहीं बनाते हैं तो फिर तो पता नहीं कैसे आप लोग रिविजन कीजिएगा। नोट्स तो आप लोग को बनाना ही चाहिए, ठीक है, बनाना ही चाहिए, नोट्स तो आप लोग को बनाना ही चाहिए, समझे, बिना नोट्स का कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग हमको इसमें से बताएंगे कि कौन सा इसमें जो है फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ओके फ्रेंड्स, ओके, मतलब कौन सा इसमें से डाइस फॉर्म होगा, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब बताइए आप लोग हमको, चलिए आप लोग बताना शुरू कर दीजिए। चलिए फटाफट बताइए, ट्राई कर लीजिए ऑप्शन, सब आप लोग ट्राई करते रहिए, ऑप्शंस ट्राई करते रहिए, ऑप्शंस ट्राई करते रहें, ऑप्शंस ट्राई करते रहें, क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स अब बताइए सर इसका आंसर कौन सा होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत परेशान कर रहे हैं आप डाइस में, ऐसा ऐसा चीज से बता रहे हैं कि परेशान हो जा रहे, परेशानी हो रही है सर। चलिए बताइए अब बताइए इसका आंसर कौन सा होगा सर, क्या कर दिए सर, कौन सा डाइस फॉर्म करेगा वो बताना है आपको। ये है, इसको टिक वाले को मत समझिए, सही गलत भी है, पहले के वाला है। चलिए बताइए आप लोग बताइए, ये तो ऊपर से वो भाई साहब पता नहीं कितना धूमधाम कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है उनको। आप लोग बताएं इसका आंसर, बताएं, बताइए इसका आंसर, मजेदार है ना, मजेदार है ना फ्रेंड्स, जबरदस्त है ना, बताइए इसका आंसर, बताइए इसमें से क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा इसका आंसर। देखिएगा मजा आ जाएगा आप लोग को, हाँ मजा आ जाएगा, बस यही एक ही क्वेश्चन बताएंगे आपको, मजा आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, सर ए के अपोजिट में डी है क्या, नहीं है सर, और यहाँ बी भी नहीं है, तो ये भी लग रहा है, ये भी फॉलो कर लग रहा है सर। ए के अपोजिट में सी होना चाहिए, ए ई है सर, ये भी लग रहा है, और सर यहाँ पे ए के अपोजिट में सी है सर, एक तो छांट दिए, तीन नंबर नहीं करेगा, ए के अपोजिट में है, ठीक है। अब सर डी और ई जो है अपोजिट में है, डी और ई जो है सर अपोजिट में है, तो ये भी फॉर्म नहीं करेगा, डी और ई वाला जो है ये भी फॉर्म नहीं करेगा, डी और ई वाला जो है सर फॉर्म नहीं करेगा, डी और ई वाला फॉर्म नहीं करेगा। फ्रेंड्स यहां पे एक ठो चेंज कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, दो और चार, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चार नंबर, क्योंकि सर डी के अपोजिट में ही है, तो डी उसके साथ में आ गया, तो सर ए एक और दो में क्या हो रहा है सर, ए ई के अपोजिट में नहीं है, ए डी के अपोजिट में, सर कैसे बनेगा सर वो बताइए, बताएं फ्रेंड्स कैसे बनेगा। चलिए आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें से बताइए कौन सा बनेगा, दो ऑप्शन से मैं बताइए, दो तो एलिमिनेट कर दिए पहले ही, वो तो इजीली एलिमिनेट आप भी कर दिए होंगे, अब दो में से बताइए कौन सा बनेगा। चलिए इधर देखिए फ्रेंड्स, जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन वो देखिए, ओके फ्रेंड्स, अगर आप इस सब को मोड़िएगा, इसको अगर यहां से मोड़ेगा तो सी के पास थ्री आना चाहिए, सी के साथ थ्री आना चाहिए टच में, ई के साथ टच में क्या आना चाहिए दो, ए के साथ टच में क्या आना चाहिए वन, डी के साथ टच में क्या आना चाहिए
चार। गौर कीजिए, अगर आप इसको मोड़ेंगे, उसको भी मोड़ेंगे, इसको भी मोड़ेंगे, इसको भी मोड़ेंगे, तो यहां वाला पार्ट और यहां वाला पार्ट और यहां वाला पार्ट और यहां वाला पार्ट जहां भी दिखेगा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट दिखेगा, अगर उसके साथ ये नंबर वाला चीज दिखेगा तो मतलब यही होगा ना फ्रेंड्स, अगर उसके साथ ये नंबर, ये वाला पार्ट दिखे, इसका मतलब यही होगा ना कि ये इसके साथ ज्वाइंट होगा, 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 होगा कि नहीं होगा सो बताइए, होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। एक बार और सुन लीजिए, जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो इसका ये पार्ट, इसका ये पार्ट, इसका ये पार्ट, इसका ये पार्ट, मतलब ए के साथ वन एक साथ होगा, ई के साथ दो एक साथ होगा, डी के साथ चार एक साथ होगा, मतलब टच करेगा, सी तीन को टच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा सो बताइए, करेगा कि नहीं करेगा, समझ में आया। एक बार और बताएं, ई के साथ दो, सी के साथ तीन, डी के साथ चार, ए के साथ वन, ये चारों वाला चीज जो है ये लोग अपने एक साथ टच करेंगे, ठीक है। अब आइए, यहां पे डी है तो डी के बगल में क्या होना चाहिए, चार होना चाहिए, डी के साथ चार, लेकिन डी के साथ क्या है, दो, क्या ये करेगा, वैसे देखेंगे ए के साथ वन है, ए के साथ तो वन है, ए के साथ वन है, ए के साथ वन है, लेकिन डी के साथ क्या होना चाहिए, चार, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है दो, तो फ्रेंड्स ये नहीं करेगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, चार। चलिए अब इसको चेक करते हैं, सर इसमें कैसे होगा, अब देखिए ए के साथ वन, ए के साथ वन कर रहा है, अब यहाँ पे ई, ई के साथ दो, सर ई के साथ दो भी है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा, ठीक है, ये फॉर करेगा, क्योंकि ई के साथ दो है तो ई के साथ दो आना चाहिए हमको, तो यहाँ है, ए के साथ वन आना चाहिए तो ए यहाँ है, वन है यहाँ पे, और ये तो ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा, समझ में आया, ये करेगा, ठीक है फ्रेंड, करेगा, ठीक है। इसी में आप हमको और बताइए, ये समझ में आया ना कैसे ये फॉर्म नहीं किया, क्योंकि डी के साथ क्या आना चाहिए था, चार, कहाँ क्या आया, दो, ये इसीलिए नहीं किया, ये क्यों किया, क्योंकि ई के साथ आना चाहिए दो तो ई के साथ दो, ए के साथ आना चाहिए वन तो ए के साथ है वन, ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, आप इसी में हमको एक नया बताइए, पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, इसी में बताना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, उसका आंसर दीजिए। देखिए ऑप्शंस आर लाइक दिस, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं ऐसे, डी और सी, ये हैं, एक है आपके ऑप्शन ये ए और ई, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, एक चीज गौर कीजिएगा, सी के साथ सी के साथ है यहाँ पे तीन, ठीक है फ्रेंड्स, सी के साथ है यहाँ पे तीन, और सी के साथ तीन है, ठीक है, डी के साथ है चार, दो वन, ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ए के साथ है वन और ई के साथ है दो, ठीक है, तीन चार, ठीक है फ्रेंड्स, एक ये हो गया और एक आपका ये है, ठीक है, यहां पे हो गए, यहां पे हो गए डी, डी ने सी डी, और इनके साथ हो गए डी के साथ चार,
सी के साथ 3 2 1। चलिए अब बताइए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। चलिए अब बताइए इसमें से कौन सा फॉर्म करेगा। मजेदार कंसेप्ट है फ्रेंड्स, मजेदार चीज है, मजेदार चीज है। बताइए इसमें से कौन सा फॉर्म करेगा, अब बताइए कौन सा फॉर्म करेगा फ्रेंड्स अब कौन सा फॉर्म करेगा। मजा आ गया, तीन ऑप्शन में से बताइए 1 2 3 कौन सा। देखे कैसे इधर से उधर हो गया, देखे देखे देखे। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, थोड़ा सा यूज कीजिएगा बन जाएगा, थोड़ा सा यूज कीजिएगा बन जाएगा, थोड़ा सा यूज कीजिएगा बन जाएगा। ओके थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। फ्रेंड्स अब गौर कीजिए यहां पे क्या हो रहा है। सर ये चीज तो आप बताए कि उसके साथ, तो देखिए सी डी, सी के साथ 3 आना चाहिए, 3 है, डी के साथ 4 आना चाहिए, क्या ये करेगा क्या। ए के साथ 1 आना चाहिए, ई के साथ 2 आना चाहिए, ये भी आ रहा है, क्या ये करेगा क्या। सी के साथ 3 आना चाहिए, डी के साथ 4 आना चाहिए, क्या ये करेगा क्या। फ्रेंड्स अब यही तो चेक करना है कैसे करेगा। अब एक चीज गौर कीजिए, अगर आप इस दोनों सबको जो ज्वाइंट कीजिएगा तो ऊपर में ये बात बताइएगा हमको, ऐसा वाला फॉर्म होगा। ऐसा फॉर्म होगा, होगा ना, ऐसा फॉर्म होगा ना। अब इसको आप इसी को इसको छिटका के समझिए, मतलब अलग करके समझिए, तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और एक होगा ऐसे, होगा कि नहीं होगा सो बताइए। ऐसा फॉर्म होगा, इसको अलग अलग करें तो ऐसा होगा ना, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पे 2 के अपोजिट में क्या है, यहां पे अगर 4 है तो यहां पे क्या होगा 2 है, यहां पे अगर 1 होगा तो यहां पे क्या होगा 3। सेम उस तरह उसको वाइस वर्सा कर दीजिए, यहां पे 2 होगा तो क्या होगा 4 होगा, अगर यहां पे 2 होगा तो यहां पे 4 होगा, अगर यहां पे 3 होगा तो यहां पे 1 होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा सो बताइए, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा जल्दी से बताइए। अगर आप इसको ज्वाइंट करते हैं तो ऊपर में ये नोकी इस नोकी के साथ मिलान करेगा, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ और ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिलान करेगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 3 के अपोजिट होंगे, 2 4 के अपोजिट होंगे। चलिए वही चीज देखना है यहाँ पे, देखिए सी के साथ 3 तो है, ई के साथ 4 तो है, लेकिन क्या फ्रेंड्स 3 और 1 एक साथ होंगे क्या, नहीं सर, 3 और 1 एक दूसरे का अपोजिट, मतलब यहां पर होना चाहिए था 3 1 और यहां पर होना चाहिए था 2, ये फ्रेंड्स नहीं करेगा। दो में देखिए ए के साथ 1 है, ई के साथ 2 है, ए के साथ 1 है, ई के साथ 2 है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स क्या 1 के अपोजिट में 4 होगा क्या, नहीं सर, 1 के अपोजिट में 3 होगा, 2 के अपोजिट में 4 होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है 3 है, तो 3 यहां पे होना चाहिए और 4 यहां पे होना चाहिए, तो ये भी नहीं करेगा, ये भी इसको क्लोज करने के बाद डाइस नहीं फॉर्म करेगा। अब यहां पे देखिए सी के अपोजिट में 3 है, 3 है सर, ठीक है, डी के अपोजिट में 4 है, 4 है, ठीक है सर, तो सर ये फॉर्म कर रहा है क्यों, 3 के इसको देखिए, इस पार्ट को देखिए, सिर्फ इस पार्ट को, 3 के अपोजिट में 1, 2 के अपोजिट में 4, तो फ्रेंड्स ये वाला करेगा, समझ में आया। फिर से देखिए ये चीज वेरीफाई करा, लेकिन 3 के अपोजिट में क्या होना चाहिए 1, इस सेक्शन को देखिए 3, ये सेक्शन पहले आप चेक कर लिए कि सी के साथ 3 होना चाहिए, डी के साथ 4 होना चाहिए, ये चीज सही हो गया। अब आप इस सेक्शन को देखिए, 3 के अपोजिट में 2 होना चाहिए, 3 के अपोजिट में 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है 2 गया, ये सेक्शन वेरीफाइड है। अब देखते हैं 2 के अपोजिट में क्या होना चाहिए 4, क्या है यहां पे 3 गया, इस ये सेक्शन ही वेरीफाई हो गया। 3 के अपोजिट में क्या होना चाहिए 1 सर है, 2 के अपोजिट में तो 4 ऑलरेडी हो ही जाएगा, तो फ्रेंड्स आपका 3 नंबर हो गया। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ओपन डाइस का ये ट्रिक, कैसा था ये कंसेप्ट बताइएगा फ्रेंड्स कंसेप्ट अच्छा लगे तो बताइए और कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते चैट बॉक्स में, तो बहुत आंसर कमेंट कर दीजिए, यूट्यूब पे भी जाके थोड़ा अच्छा लगे और भी बच्चों को भी लगे कि हाँ क्लासेस अच्छे हो रहे, तो वो लोग भी देख लें, उन लोग को भी बेनिफिट मिल जाए। आप लोग भी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग सब जो चैट बॉक्स में कमेंट करते हैं, चैट बॉक्स में से एक ही बच्चे हैं जो वहाँ पे उनको वहाँ पे जाकर कमेंट करते हैं, उनको सच में क्लास अच्छा लगता है। स्प्रेड बिलीव जी बहुत अच्छा, आपका मतलब डेली का डेली कमेंट होता है वहाँ पे कि हाँ सर क्लासेस अच्छा, वो अपना पूरा अच्छे से लिखते हैं, वेरी गुड वेल डन, बहुत अच्छा। फ्रेंड्स आप लोग भी किया कीजिए कमेंट, उससे ये पता चलेगा और बच्चों को पता चले कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट अच्छा सब है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कहीं कीजिएगा कमेंट, ओके। चलिए फ्रेंड्स, तो आपका फ्रेंड्स ओपन डाइस हो गया खत्म। ओपन डाइस में इससे ज्यादा फ्रेंड्स और कुछ नहीं बनता है, ठीक है, इससे ज्यादा अगर कुछ बनता भी होगा तो फ्रेंड्स आपको ऐसे क्वेश्चन आपके लेवल में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब भी आपको हम एक लेवल अप करके ही बताएं, ठीक है, ये सब भी आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको हम एक दिन याद है युद्ध कौन जीतता है, जिसके पास युद्ध लड़ने के लिए जो भी चीज चाहिए वो हर चीज हो, कब कौन किस चीज से आक्रमण हो जाए,
समझ रहे हैं आप, योद्धा वही कहलाता है फ्रेंड्स। अब एक लास्ट कंसेप्ट जो हम मिस कर गए थे वो देख लीजिए। आपको बताए थे कि एक पोजीशन दिया रहे वो वाला बता दिए थे, दो पोजीशन दिया रहे वो बता दिए थे, तीन पोजीशन वाला बताए थे क्या? नहीं बताए थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? तीन पोजीशन वाला। तीन पोजीशन वाला कैसे होता है वो एक बार देख लीजिए, बाद बाकी डाइस आपका पूरा खत्म है, ठीक है। तीन पोजीशन देख लीजिए, तीन पोजीशन में क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, आपको एक ही डाइस का क्या करेगा, तीन पोजीशन दे देगा, ठीक है। एक ही डाइस का आपको तीन पोजीशन दे देगा, ठीक है, ठीक है, दे देगा। ठीक है, अब आपको पूछेगा कि आप हमको ये बताइए, आप हमको ये बताइए कि चार के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। आप हमको ऑप्शन नहीं देने वाले, चार के अपोजिट क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, ठीक है, कि चार के अपोजिट क्या होगा, कैसे बनाइएगा, पांच के अपोजिट क्या होगा, इसको कैसे बनाइएगा। सर ये क्या आप मतलब झूठ फूस का फंसाने का चीज फ्रेंड्स, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए तीन तीन वाला तीन एक से दो से ज़्यादा जो है आपको देता है, ठीक है, और कुछ नहीं फ्रेंड्स। आपको इसमें भी वही चीज़ करना, अगर आप करना चाहें तो अगर डायरेक्ट आपको दे दे कि वन के अपोजिट में क्या होगा वो बताओ, तो आप क्या कीजिएगा उस टाइम पे, आप देखिए दो कॉमन है, दो तीन कॉमन है, तो छः हो गया वन के अपोजिट में, डायरेक्ट हो गया ना, जिन लोग का आया छः लिखिएगा, डायरेक्ट हो गया। अब चार पांच के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो चार पांच के लिए सर हम वन कॉमन वाला टर्म ही यूज करेंगे, बिल्कुल कीजिए। यहां पे देखिए इस दोनों में थ्री और थ्री कॉमन है, थ्री और थ्री कॉमन है, तो चलिए थ्री, अब चलिए इसको क्लॉकवाइज लेके चलते हैं वन टू, इसको भी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं थ्री के बाद फोर फाइव, मतलब वन के अपोजिट में फोर है, टू के अपोजिट में फोर है, टू के अपोजिट में फाइव है, तो वन के अपोजिट में फोर, मतलब फोर के अपोजिट में वन, फाइव के अपोजिट में टू, हो गया निकल गया। तो टू दो से ज्यादा जो डाइस का आपको फेज है वो इसमें ऐसे ही जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब इसी में आपको एक फॉर्म कर देगा डाइस, उससे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ कि इसमें से कौन सा जो है फॉर्म होगा या नहीं होगा, समझे। तो डाइस वाले में आपका जो दो से ज्यादा जो पोजिशन दिए रहते हैं फ्रेंड्स, तो उस दो से ज्यादा के पोजिशन में भी आपका यही हाल होता है, यही चीज होता है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसी में आपको बस एक चीज ऐसे ही कर देंगे कि आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा डाइस जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ से कौन सा डाइस जो है बनेगा और कौन सा डाइस जो है नहीं बनेगा, बनने के चांसेस नहीं है, ठीक है। आप बताइए इसका आंसर, अरे क्या, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको इसी में बोलेगा कौन सा डाइस जो है इसमें फॉर्म करेगा वो बताइए, चलिए आप पूछेगा आपसे इसमें से बताइए, इस ऑप्शन वन, ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन, इसमें से ये बताइए कि इसमें से कौन सा डाइस जो है वो फॉर्म करेगा, इसमें से कौन सा डाइस जो है वो फॉर्म करेगा और कौन सा डाइस जो इसमें से फॉर्म नहीं करेगा वो बताइए। एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चलिए बताइए फ्रेंड्स कौन सा डाइस इसमें से फॉर्म करेगा। अब देखिए कौन सा डाइस इसमें से बनेगा, मतलब इसके नेक्स्ट में कौन सा डाइस बन सकता है, तो देखिए एक के अपोजिट में चार है, नहीं होगा, पहला वैसे ही निकल गया। दो के अपोजिट में पांच है, दूसरा भी वैसे ही निकल गया। अब देखिए चार पांच एक, ऐसा हो सकता है क्या, चार पांच एक के अपोजिट में चार है, ये भी निकलेगा। सर तीनों में से कोई नहीं किया, तो इसी में से आपको एक ऐसा डाइस देगा जो फॉर्म कर रहा होगा लाइक डैट, ठीक है। यहां पर आपको दे देगा दो एक तीन, मतलब ये डाइस आपका ऑप्शन नंबर चार, ये डाइस आपका फॉर्म करेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं आया देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको दो से ज्यादा ये देकर पोजीशन देकर भी आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है, आपको जानबूझ के थोड़ा सा घुमाएगा फिराएगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए कि आपके डाइस के सारे कंसेप्ट, इतने सारे कंसेप्ट मैंने डाइस का आपको कल कंप्लीट करवा दिया, करवा दिया कि नहीं करवा दिया बोलिए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, फ्रेंड्स एक दिन एकदम जम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट डे ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जम कर, एक मिनट फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जमकर जो है फ्रेंड्स सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आज डाइस का सारा कंसेप्ट आपको हम क्लियर कर दिए, देखिए जीरो से लेके अप लेवल तक। ठीक है, अब फ्रेंड्स पूरा क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा रखेंगे। ठीक है, अच्छा खासा रखेंगे, अमाउंट भी ज्यादा रखेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो फ्रेंड्स डाइस हो गया आपका खत्म। अब आप जिस बुक से बना रहे हैं, जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, उस बुक से जाइए, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। डाउट आए रीजनिंग टेलीग्राम ग्रुप आइए, रीजनिंग बाय विक्रम सर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप सारे मस्त होकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है सिद्धत। सिद्धत किस चीज़ की? जॉब लेने की। ठीक है, और ये होनी ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को वंस अगेन आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, पूजा एंजॉय कीजिए, फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए ही आता है, उसके साथ साथ पढ़ाई हो जाए तो और मज़ेदार चीज़। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ आपसे होते हैं अब अलविदा, मतलब फिर कल मिलेंगे। अलविदा आज के लिए बस, कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड्स।